हाँ जी ऋषु सर, आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि दिल्ली में जीएसटी चोरी सबसे ज़्यादा हुई है। सर जीएसटी चोरी मतलब क्या है, कैसे होती है, और आफ्टर गवर्नमेंट के क्या एक्शंस होते हैं? सो बेटा, हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है असेसमेंट का, ठीक है? असेसमेंट के टाइम पे हम ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? आपको मैं हल्का सा ग्लिम्स दे देता हूँ, हल्का सा ग्लिम्स, ठीक है? उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो बेटा, एक बच्चे ने पूछा कि सर जीएसटी चोरी कैसे होती है, ठीक है, और गवर्नमेंट के क्या क्या एक्शंस होते हैं। तो बेटा, मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में एक चैप्टर है सेल्फ असेसमेंट, वो मिसलेनियस में काउंट होता है, ठीक है? और वहाँ पे ही पेनल्टीज वगैरह भी हैं कि अगर आप कुछ भी चोरी करते हो तो हम आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाएंगे, ठीक है? तो मैं आपको छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ कि बेटा चोरी कैसे होती है। अगर आप लोगों को 60 लाख वाला एग्जाम्पल याद होगा ज्वेलरी का, वहीं से मैं आपको आराम से समझा दूंगा, ठीक है? 60 लाख की आपने ज्वेलरी खरीदी थी। बेटा देखो, अगर किसी का कोई डाउट है ना, अरे तो लेट्स ट्राई। देखो, दिस विल नॉट टेक मोर देन 1 or 2 मिनट्स, मैं आपको जल्दी से समझा दूंगा। तो क्या होगा ना, एक बेस मिल जाएगा, वहां पे भी तो हम डिटेल में करेंगे ही करेंगे, नो वरीज, ठीक है? जैसे 60 लाख की सेल हुई थी, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, 30 लाख अलग रखा, 30 लाख अलग रखा, ठीक है? उसके बाद आपने क्या किया, 20 लाख रुपए का सामान, 20 लाख रुपए का सामान बैंक के थ्रू पे किया, बैंक के थ्रू बेचा, मतलब बैंक के थ्रू मतलब पैसा बैंक अकाउंट में लिया आपने, ठीक है? और बाकी का जो 10 लाख यहाँ का था, 10 लाख रुपए ये, ठीक है, इसको आपने कैश में भेज दिया और आपने बोला सर डिस्ट्रॉय हो गया, समझ रहे हो? ज्वेलरी के एग्जाम्पल मैंने हमने लिया, इसलिए हम वो पिकअप कर रहे हैं, ठीक है? आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या क्या होता है बेटा, ये जो 10 लाख रुपए का सेल होता है ना कैश में, इसको कभी दिखाया ही नहीं जाता GSTR 1 के अंदर। हमने बात करी थी रिटर्न्स में कि GSTR 1 में सारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी दिखाई जाती है, लेकिन वो वही दिखाई जाती है जो बैंक के थ्रू पे होती है। क्यों? क्योंकि बैंक के थ्रू पे हुई है तो वो एंट्री इजीली आइडेंटिफाइबल है। अगर कैश में मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए, आपने मुझे 4 लाख रुपए दिए, कोई रिकॉर्ड नहीं है इस चीज का, सिर्फ ट्रस्ट की बात है कि आपने दो मैंने 2 लाख दिए, आपने 4 लाख रुपए दिए, ठीक है? तो बेटा, ये जो 10 लाख वाला हिसाब किताब है, ये कभी जीएसटी गवर्नमेंट के पास इसके ऊपर जीएसटी जाता ही नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं तो बिल्कुल आप इसको दिखा देंगे, और अगर आपके अंदर बेईमानी है तो आप बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। तो इसी तरीके से बेटा, ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, कि ये चोरी ऐसे होती है, ठीक है? अब हम बेटा अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो हम सॉरी हाँ आगे स्टार्ट करें बेटा, ठीक है? आगे हम देखना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, जो हम रजिस्ट्रेशन की सारी बातें कर रहे थे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर अ प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस। मतलब क्या हुआ कि आपको जीएसटी नंबर उसी प्लेस का लेना है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है? क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ बेटा, ध्यान से पढ़िए, ऊपर नरेशन के सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर अ प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस। अब इसको कैसे समझते हैं, सपोज करो आपके पास एक एक्स प्लेस है और एक वाई प्लेस है, ठीक है? यहां से आप टैक्सेबल सप्लाई डिलीवर कर रहे हैं और यहां से आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई डिलीवर कर रहे हैं वाई से, तो आपको और ये सेम प्लेस सेम स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, सेम स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे मान लो दिल्ली की बात कर ली जाए, ठीक है, तो बेटा दिल्ली के अंदर एक आप सपोज करो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास कौन सा एरिया है, मॉडल टाउन, ठीक है? एक आप वहां पर है और एक उसके आसपास का एरिया कौन सा है, आजादपुर, ठीक है? हाँ, मॉडर्न टाउन में जो है आपका टैक्सेबल सप्लाई वहां से देते हो, और आजादपुर में आपका सब्जियों का काम है, सब्जी पे जीएसटी नहीं लगता बेटा, खाने की चीजें हैं, ठीक है, एग्जेम्प्टेड है। तो आपको जो नंबर लेना है ना, इसका लेना है मॉडर्न टाउन का, और इसको दिखाना है एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस,
ठीक है, इसको क्या दिखाना है एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो आपका नंबर यहाँ का हो जाएगा इस प्लेस का, और यहाँ से आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के थ्रू उसको जीएसटी डिपार्टमेंट को बता सकते हैं कि सर हम यहाँ से अपना एक दूसरा काम करते हैं, लेकिन वहां पर वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। बात क्लियर है बेटा? बात ठीक है बेटा, आगे चले। नाउ देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू हिज ईच प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फ्रॉम वेयर अ टैक्सेबल सप्लाई हैज टेकन प्लेस, जहां से टैक्सेबल सप्लाई आपने डिलीवर की है, मतलब जहां से आपने सप्लाई स्टार्ट की है। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, हाउएवर अ सप्लायर इज नॉट लाइबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट और यूटी फ्रॉम वेयर ही मेक्स एन एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। कहता है कि अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो या नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो वहां से आपका नंबर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सेम स्टेट में होते हो तो आपको एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना होता है। ठीक है बेटा, आगे क्या बोलता है, फर्दर द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ अ पर्सन हैविंग प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन मोर देन वन स्टेट ऑफ यूटी इन इंडिया गेट्स रिड्यूस्ड टू 10 लाख ओनली व्हेन सच पर्सन मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फ्रॉम एनी ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज पर सेक्शन 22। ये तो बेटा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कि अगर हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं तो वहां पे लिमिट हमारी 10 लाख रुपए की हो जाती है। ये तो क्लियर है बेटा? ये अभी हमने पहले कवर किया हुआ है, क्या किया कवर किया हुआ है दोबारा समझा देता हूँ। पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अब ट्रांसफर ऑफ बिजनेस में का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस का मतलब बेटा आपको याद होगा कि फादर का बिजनेस बेटे के पास आ गया। फादर जी एक अकेली दुकान चलाते थे चांदनी चौक में, ठीक है, उनके बेटे, अब उनके फादर ने बोला कि मैं देखो ये बेकार नहीं करना चाहता, मेरा हो गया, ठीक है, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, वो घर चले गए, अपने गांव चले गए। अब दुकान कौन चला रहा है? उनका बेटा चला रहा है, तो ये ट्रांसफर बिजनेस हुआ। अगर मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बेटा, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डिंग्स होती हैं 50%, 100%, 75%, 10%, ठीक है, तो मालिक कौन माना जाता है? जिसके पास मोर देन 50% शेयर होल्डिंग होती है, मोर देन 50% शेयर होल्डिंग जिसके पास होती है उसको मालिक माना जाता है। ठीक है, अगर क्या 50.1% की शेयर होल्डिंग अगर किसी के पास है तो ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो अगर किसी ने अपनी वो शेयर होल्डिंग चेंज कर दी, किसी ने अपना वो स्टेक किसी को बेच दिया, तो क्या हुआ इस केस में? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हो गया, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो गया ना। ठीक है, तो उस केस में भी हमें नंबर लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे दिखाओ, देखो वेर अ बिजनेस इज ट्रांसफर्ड वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन मतलब कि मान लो फादर की किसी के कोई बिजनेस काम कर रहा था, उनके फादर की डेथ हो गई, ठीक है, या गिफ्ट में मिल गया उनको अपना बिजनेस पूरा का पूरा, तो सक्सेशन हो गया ना, नई नई पीढ़ी आ गई। ठीक है, और एनी अदर रीजन इंक्लूडिंग ट्रांसफर चेंज इन द ऑनरशिप, चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ बिजनेस ड्यू टू डेथ और सोल प्रोप्राइटरशिप टू अनदर पर्सन एज अ गोइंग कंसर्न, द ट्रांसफर ही और सक्सेसर इज टू बी रजिस्टर्ड विद द इफेक्ट फ्रॉम द जिस दिन चेंज हुआ, कि मान लो उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिया या उनकी डेथ हो गई, तो अल्टीमेटली जो सक्सेसर है, जो नया बंदा है, उसको अपना नया नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन आगे देखें, वेयर द डेट ऑफ सच बिजनेस इज अ स्कीम और ट्रांसफर पर्सुएंट टू सैंक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एमलगेमेशन और डीमर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज पर्सुएंट टू एन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल द ट्रांसफर इज टू बी रजिस्टर्ड विद द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इश्यूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिविंग इफेक्ट टू सच ऑर्डर। अब क्या बोलता है कि सपोज एक कंपनी थी एक्स, एक कंपनी थी वाई, एक्स ने वाई को खरीद लिया, बाय कर लिया, ठीक है, ये कंपनी क्या बन गई? एक्स वाई। क्या बन गई है? एक्स वाई, ठीक है। अब ये एक्स वाई एक नई कंपनी है, ठीक है, इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है, इन्होंने एक नई कंपनी बना ली है,
तो जिस दिन ये हाई कोर्ट, सो बेसिकली कंपनीज का मर्जर और एमलगेशन ऐसे नहीं होता कि मैंने कर, मेरा मन कर रहा मैंने कर लिया, नहीं, परमिशन लेनी पड़ती है किससे, या तो हाई कोर्ट से या ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल भी बेटा कोर्ट ही होता है, कोर्ट के, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट पे जाते हैं और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं, ठीक है। अच्छा तो जब जिस डेट को, ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर किस चीज का, कि ठीक है आप अपनी कंपनी को एमलगेमेट कर लीजिए, आप अपनी कंपनी को एमलगेमेट मतलब दोनों को एक दूसरे में मिला दीजिए, तो उस दिन से, सॉरी, एक तो वो ऑर्डर आ गया, मतलब उस ऑर्डर के बाद आपको आरओसी, आरओसी मतलब सीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की यूनिट है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वहां पे एक नई कंपनी के नाम के साथ, नई कंपनी के साथ आपको अप्लाई करना होता है। तो जिस दिन आपका वो इश्यू सर्टिफिकेट आ जाएगा आरओसी के पास से, उस दिन आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। एक बच्चा बोला सर अमलगमेशन क्या होता है, बेटा आपने अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर सेमेस्टर टू के अंदर पढ़ा हुआ होगा कि जब दो कंपनियों को मिला करके एक कंपनी बना दिया जाता है उसको अमलगमेशन कहते हैं। जब एक कंपनी में से, उसकी एक यूनिट को अलग कर दिया जाता है, इसको डीमर्जर बोलते हैं। और जब जब दो से एक हो जाए अमलगमेशन, एक से दो हो जाए डीमर्जर, ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। कि जब ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होता है उस टाइम पे भी आपको जीएसटी नंबर नई यूनिट में लेना पड़ता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, एनीथिंग, ठीक है। बेटा हमने इसके बारे में काफी सारी बातें पढ़ी थी, क्या ये चीज है, ये मैंने आपको बताया था, देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस जब आपको जीएसटी नंबर कंपलसरली फॉर्म में लेना पड़ता है, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट, आपका काम क्या है, आपकी टर्नओवर क्या है, आप कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज सेक्शन कॉल्ड सेक्शन 24, सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन का था, सेक्शन 24 के अंदर बोलता है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, आपके टर्नओवर क्या है, आप क्या करते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जैसे जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक है उत्तर प्रदेश और एक है हरियाणा, ठीक है, कुशल का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में है और एक हरियाणा में है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में और एक हरियाणा में, यहाँ की जो टर्नओवर है वो है 10 लाख रुपए और यहाँ की जो टर्नओवर है वो 12 लाख रुपए की है, ना तो वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले रहा है ना यहाँ पे ले रहा है, और ना लेने की जरूरत है, ना लेने की जरूरत है। प्रैक्टिकल बता दूं बेटा, प्रैक्टिकल, ठीक है, जिस दिन उत्तर प्रदेश की ये यूनिट हरियाणा को अपनी कोई सर्विसेज दे देगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये दोनों इंस्टीट्यूट सेम पैन नंबर पे हैं, सॉरी, सेम पैन नंबर पर है तो क्या होगा बताओ। अगर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मेरे दो इंस्टीट्यूट हैं, एक की टर्नओवर साल की 10 लाख है और एक की 12 लाख रुपए है, लेकिन दोनों मेरे ही पैन नंबर पे रजिस्टर्ड हैं, बट मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो क्या होगा, होगा ये टर्नओवर कैसे निकाली जाती है, सेम पैन डिस्टिंक्ट पर्सन, एक पैन पे सारी टर्नओवर निकाली जाती है, क्लियर,
मुझे नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब सपोज करो यहाँ पे मेरा नहीं है, यहाँ पे है कौन सा बच्चा है, आरिफ। आरिफ का एग्जांपल लेते हैं, आरिफ बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है हरियाणा में, ठीक है, मैं हूँ उत्तर प्रदेश में। आरिफ ने बोला कि सर मुझे आपसे जीएसटी पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है बेटा पढ़िए, फीस लगेगी। तो उसने बोला कि सर लेकिन मैं तो फीस तो दे दूंगा। मैंने कहा बेटा फीस के साथ साथ जीएसटी भी लगेगा। इसने बोला सर बट आपके टर्नओवर 10 लाख रुपए की है, जीएसटी क्यों लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो मैंने उसको बोला बेटा सेक्शन 24 में जाओ, आप वो पढ़ो जा करके, वहां क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं कोई सर्विस इंटरस्टेट का दे रहा हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी टर्नओवर 2 लाख रुपए है, 1 रुपए है या 25 लाख रुपए है, मुझे नंबर लेना पड़ेगा, और मुझे नंबर लेना पड़ेगा तो मैं जीएसटी आपसे लूंगा, क्योंकि जो मैं सप्लायर हूं तो सप्लायर नंबर, सप्लायर जीएसटी किससे लेता है, रेसिपिएंट से लेता है ना, अब रेसिपिएंट आप हो तो जीएसटी कौन पे करेगा, आप, मैं आपके बिहाफ पे को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिए बेटा, हम अभी आगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। माय होल पर्पस वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। हमने देखा कि सप्लायर जो है उसको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है। जैसे ही उसकी लिमिट थ्रेशोल्ड से आगे निकल जाएगी, लेकिन कुछ कैसे केसेस हैं जहां पर आपको नहीं लेनी है, जहां पे आपको टर्न ओवर से कोई मतलब नहीं है, आपको नंबर लेना पड़ेगा, इवन दो दहेज एग्रीगेट टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट, कि जो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे आगे नहीं जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर लेना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया इंटरस्टेट सप्लाई का, ठीक है।